अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए हम हर दिन अपने दैनंदिन जीवन क्रम में अपनी त्वचा पर कुछ कुछ लगाकर उसकी केयर करते हैं, लेकिन क्या यह रोज़मर्रा की ब्यूटी केयर आपके त्वचा का स्वास्थ्य तो नहीं छीन रहे हैं? फ़ायदा करने के बजाय आपकी त्वचा का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेकारक होने वाला है। वेलकम टू डॉक्टर ऑफ हैप्पीनेस चैनल। मैं डॉक्टर नीलांगी तांबड़े, आयुर्वेदाचार्य एवं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यह वीडियो मैंने साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर बनाया है। इस वीडियो में मैंने त्वचा के केयर के चक्कर में आप कौन सी गलतियां कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए और उसकी जगह पर क्या सही सॉल्यूशन है, ये मैं बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है। नंबर एक, वैसलीन। ठंड से ड्राइनेस से बचने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल आप में से बहुतांश लोग करते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलते समय गैसोलीन केरोसिन के साथ साथ एक चिपचिपा सा पेट्रोलियम जेली, यह बाय प्रोडक्ट बनता है। पेट्रोलियम जेली यह कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर उत्पन्न करने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसे ही शुद्ध करके वैसलीन बनाया जाता है। भले ही ऐसा बताया जाता है कि इसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, पर है तो यह केमिकल ही ना। वैसलीन अपनी त्वचा को कोई पोषण नहीं देता है, ना ही उसकी सेहत बढ़ाता है। बस आपकी त्वचा और बाहरी वातावरण के बीच एक चिपचिपी सी परत बनाता है, जिससे आपकी त्वचा की नमी त्वचा के ही अंदर बनी हुई रहती है। पर इसके ऑक्लूसिव इफेक्ट यानी त्वचा के रंध्रों में घुसकर वह इन्फेक्शन कर मुहासे हो सकते हैं। भले ही कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा दावा किया जाता हो, परंतु अपनी त्वचा पर आप पेट्रोलियम जेली क्यों लगाएंगे? उसकी जगह आप बी वैक्स यानी मधुमक्खी के छत्ते का वैक्स या फिर अपनी त्वचा के लिए पोषक ऐसे बादाम तेल लगा सकते हैं। नंबर दो, साबुन। त्वचा का मैल, पसीना, दुर्गंधी, ऑयल हटाने के लिए साबुन से नहाना जरूरी है। परंतु क्या आपको पता है साबुन में झाग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सोडियम क्लोरोसल्फेट त्वचा के लिए हानिकारक होता है? कुछ लोग चेहरे को फेस वॉश लगाकर धोते हैं। अगर आपके फेस वॉश में झाग आ रहा है, इसका मतलब उसमें भी सोडियम क्लोरोसल्फेट है। साबुन का इस्तेमाल करते समय ऐसे साबुन को चुनें जो कम झाग पैदा करती हो और साबुन से चेहरे को ना धोएं। क्या पुरातन काल की महिला साबुन आने से पहले सुंदर नहीं दिखती थी? वह क्या लगाती थी? जी हाँ, उबटन। साबुन की जगह पर मसूर की दाल को पीसकर उसमें थोड़ा दूध या पानी मिलाकर उसे चेहरे पर लगाकर उससे आप स्क्रब कर सकते हैं। मैं और मेरी खुद की फैमिली मसूर की दाल से बना हुआ उबटन पिछले 10 साल से लगाते आ रहे हैं। नंबर तीन, बॉडी मॉइस्चराइज़र। बॉडी मॉइस्चराइज़र बॉडी पर यूज़ के लिए होते हैं, चेहरे के लिए नहीं। फिर भी बहुतांश लोग इसे चेहरे पर लगाने की चेष्टा करते हैं। चेहरे पर लगाने से त्वचा के रंध्र, स्किन के पोर्स ब्लॉक होकर पिंपल्स आ सकते हैं। इसीलिए चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाना ही है तो खास चेहरे की त्वचा के लिए बनाया गया ऑर्गेनिक और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स के पोषण से बनाया हुआ मॉइस्चराइज़र ही यूज़ आप कर सकते हैं। लगाने के आधा घंटे बाद उसे धो लीजिए। इससे क्या होगा, एक्सेस चिपचिपापन निकल जाएगा और मॉइस्चराइज़र का असर भी बना रहेगा। नंबर चार, टोनर। बहुतांश टोनर में अल्कोहल होता है। अल्कोहल त्वचा के रंध्रों से यानी पोर से ऑयल को खींचकर उन्हें बंद कर देता है। त्वचा स्मूथ दिखने लगती है, परंतु यह कुछ देर तक ही असर रहता है। उसके बाद जब अपनी त्वचा को लगता है कि उसका ऑयल बहुत कम हुआ है, तो त्वचा उसके रिस्पॉन्स में और ज़्यादा ऑयल छोड़ती है और पोर्स बंद होने की वजह से वह तेल वही ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल आने की संभावना होती है। इसीलिए अल्कोहल वाले टोनर्स की जगह ऑर्गेनिक नॉन अल्कोहलिक टोनर का प्रयोग करें। नंबर पाँच, स्क्रब। स्क्रब का इस्तेमाल हमारी त्वचा के मैल तथा डेड सेल्स को हटाने के लिए किया जाता है। परंतु यह स्क्रब अगर बहुत खुरदरा तथा पोषण रहित है तो इससे त्वचा की अंदर की परतें और ज़्यादा डैमेज होने लगती है, और ऐसे नाजुक डैमेज त्वचा पर उसके बाद में मेकअप का केमिकल का अत्याचार किया जाए तो वह और ही समय के साथ काली पड़ने लगती है। इसीलिए स्क्रब करते समय सही पदार्थों का चयन करें। अपने रोज़मर्रा के जीवन में जैसे मैंने पहले बताया, वैसे मसूर की दाल का पाउडर बनाकर ज़रूरत के हिसाब से उसमें दूध या फिर पानी मिलाकर स्क्रब के रूप में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रब त्वचा के लिए फ्रेंडली भी है और पोषक भी है। स्क्रब भी हो जाएगा और फेस वॉश भी हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने बचपन का फ़ोटो देखा है? देखो आप कितने क्यूट और सुंदर दिख रहे हैं।
प्रकृति ने आपको कितना सुंदर बनाया है। आप आज भी सुंदर है। प्रकृति को अपनाइए, सही नॉलेज लीजिए, सही प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कीजिए, आपकी सुंदरता और निखर आएगी। इस नॉलेज के लिए हमारा यह वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।